गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 6, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। कैन स्कूल पनिश चिल्ड्रन इन गुड फेथ इज यूजिंग द कैन एंड ओनली वे टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड। क्या स्कूल जो है बच्चे को पनिशमेंट दे सकता है, डिसिप्लिन के लिए जो है पनिशमेंट दे सकता है, इस बारे में जो है एक हम स्टोरी पढ़ेंगे। द इशू ऑफ द ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ ऑन स्कूल कैंपस हैज़ वंस अगेन कम टू द फोर विद द कर्नाटक हाई कोर्ट रूलिंग दैट पनिशिंग अ चाइल्ड इज इन गुड फेथ कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एन ऑफेंस। इन हिज कंप्लेन पुरंदरा क्लास 9th student of the government school in Puttur, Dakshina Karnataka district, filed a police complaint against in charge principal J.P.M. Cherian for caning him on ground and that he was troubling other students in the hostel. Purandara said he was beaten by a stick on his बैक राइट हैंड एंड फेस। स्कूल जो कैंपसेस में जो शारीरिक दंड देने का जो मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया, जब कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के साथ में ही बच्चे को जो है गुड फेथ में जो है पनिश करना जो है ऑफेंस नहीं माना जा सकता। अपनी शिकायत में जो है साउथ कन्नड़ जिले में पुत्तूर में टी गवर्नमेंट स्कूल में 9th क्लास में का जो छात्र पुरंदर ने अपने जो इंचार्ज प्रिंसिपल जो थे J.P.M. कुरियन के खिलाफ एक जो है पुलिस शिकायत दायर की। चेरियन उसे इस आधार पर कैनिंग करने के लिए कि वह हॉस्टल के अन्य छात्रों को जो है परेशान करता है। पुरंदर ने कहा कि उसे जो है ग्राउंड में छड़ी से पीटा गया कहाँ पे, पीठ पे और राइट हैंड में और उसके फेस पर। बट द प्रिंसिपल टुक द लीगल रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 95 ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच स्टेट एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म्स इट डन फॉर अ गुड पर्पज Nothing is an offense by reason that it causes of the that it is indeed intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm, and also a 1948 Bombay High Court judgment. Lekin principal ne jo hai Bharatiya Dand jo Indian Penal Code ki jo सेक्शन 95 के तहत जो है कानूनी जो सहारा लिया और राज्य ने कहा कि यदि स्टेट ने कहा कि यदि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कुछ भी किया जाए तो यह या इससे थोड़ा नुकसान होता है तो किसी भी तरह की हानि की संभावना नहीं होती है। ये चीज़ 1948 में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के कारण जो है हुआ था। In its ruling on 19 April this year, the Karnataka High Court observed, although the petitioner beat the complainant with a stick, causing a mark on the back, section 88 of IPC provided that act done in good faith for the benefit of a child is not an offense. The issue before the court was in the school assaulted the student to maintain school discipline, whether it attracts penal attack action against the teachers or not, and the court clearly said no, said M.R. Balakrishna, advocate and for the principal.
इस साल जो 19 अप्रैल को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसमें जो कंप्लेन करने वाला था और जिसके प्रति जो शिकायत की शिकायत को जो है कर्ता को पीठ पर जो है एक निशान के साथ छड़ी के साथ में जो है निशान हुए थे और छड़ी से उसे पीटा था, उसे उसे निशान हुए थे, सेक्शन 88 में आईपी की जो में ये प्रदान किया गया है कि बच्चे के लाभ के लिए उनके फेवर के में किया गया कोई कार्य जो है अपराध नहीं होता है। अदालत ने जो है उनके समक्ष मुद्दा यह था कि अगर स्कूल ने छात्रों को जो है बनाए रखने के लिए हमला किया है, अच्छा बनाने के लिए हमला किया है या डिसिप्लिन के लिए जो है उस उसे जो है बीट किया है, तो यह शिक्षक के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करता है या नहीं। और अदालत MR बालाकृष्ण ने जो प्रिंसिपल के लिए के वकील थे, बट द कोर्ट रूलिंग द ट्रिगर ऑफ फ्रेश डिबेट ऑन द इशू ऑफ पब्लिक पनिशिंग चिल्ड्रन दे आर पनिशिंग चिल्ड्रन दे आर वेज ऑफ डिसिप्लिन चिल्ड्रन इफ अ चाइल्ड कम लेट। लेकिन अदालत के फैसले में बच्चों को सजा देने के मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई कि बच्चों को जो है डिसिप्लिन करने के तरीके हैं। यदि कोई बच्चा लेट आता है, इट इफ अ चाइल्ड कम लेट द स्कूल कैन ऑलवेज आस्क हिम और हर टू स्टे बैक फॉर लॉन्गर आवर रादर देन बीटिंग हिम ऑन और हर। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज एन आर्चिव, फिजिकल अब्यूज इज अ स्ट्रिक्ट नो फॉर अ चाइल्ड, इवन वर्बल कास्टिगेशन विल अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। अगर बच्चा लेट आता है तो स्कूल उसे जो है उसकी पिटाई करने की बजाय जो है उसे घंटों तक जो है खड़े रहने के लिए कह सकता है। ये कॉर्पोरल सजा का एक कलेक्शन है। इसमें शारीरिक शोषण जो है फिजिकल अब्यूज जो है एक बच्चे के लिए जो कठोर फिजिकल अब्यूज जो है शारीरिक शोषण जो है वो बच्चे के लिए नहीं है, और इससे जो है वर्बल कास्टिगेशन से जो है जो मौखिक कास्टिगेशन से जो क्या होता है कि बच्चों की जो साइकोलॉजी पर भी असर पड़ता है। ये किसने कहा? सेड आकाश रियाल, प्रिंसिपल ऑफ विनीत स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने ये चीज़ कही थी। एज एन एक्सटेंशन ऑफ द जुडिशरी दैट आर स्टडीज इन द प्रीवियस लेसन, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच हेल्प द जुडिशरी फंक्शन इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर। और जो जुडिशरी सिस्टम के जो विस्तार के रूप में हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा था कि एक और उसका एक महत्वपूर्ण पहलू जो है आपराधिक न्याय प्रणाली है, जो कि जुडिशरी सिस्टम के कार्य को महत्वपूर्ण को न्यायपूर्ण कार्य में मदद करती है, उचित तरीके से जो है वो न्यायपूर्ण कार्य में जो है उचित तरह से जो वो हेल्प करती है। फिर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन सो दैट दे कैन लिव इन अ क्राइम फ्री एनवायरमेंट फॉर दिस वेरी पर्पज एंड द गवर्नमेंट मेक लॉज सो दैट द गिल्टी आर पनिश्ड एंड एट द सेम टाइम इंश्योर्स दैट द इनोसेंट आर नॉट रॉन्गली पनिश्ड। However, law by themselves cannot prevent crime for happening. For this, there must exist a system or commonly accepted government
mechanism to maintain law and order. This is what policing of is all about. The police. The police is the institution which ensure the that criminals are brought to book, and the judiciary then decides whether the accused person is or guilty or the charged crime and how much should be the quantum punishment that the convicted persons deserve for the crime committed. एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है, किसी देश की जो सरकार है, वो अपने नागरिकों की सुरक्षा जो सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होती है, ताकि वे जो है अपराध मुक्त हो, मुक्त वातावरण में रह सके. इस उद्देश्य से के लिए सरकार जो है कानून बनाती है तथा दोषियों को जो है दंडित किया जाता है, तथा साथ ही वह सुनिश्चित करती किया जाए कि निर्दोषों को जो है गलत तरीके से दंडित नहीं किया जाए. हालांकि कानून अपने आप में अपराधों को होने से नहीं रोक सकते. इसके लिए जो है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्रणाली या आमतौर पर जो है स्वीकृत जो है सरकारी जो तंत्र मौजूद होता होना चाहिए, जिसे पुलिस कहते हैं. पुलिस वह संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि अपराधियों को पुलिस यह कि जुडिशरी देन डिसाइड अक्यूज पर्सन इज गिल्टी, कि जो जो अपराधी है वो जो है गिल्टी है या नहीं है, या उसके ऊपर कोई सजा जो है वो हो सकती है या नहीं है. न्याय और जुडिशरी तब यह निर्णय लेती है कि आरोपी व्यक्ति जो है वो आरोपित उसने अपराध किया है, अपराध का दोषी है या नहीं है, और सजा याफ्ता के लिए जो सजा की मात्रा कितनी होनी चाहिए है, यह भी जो है उसके अपराध के अनुसार जो है उसकी सजा कितनी होनी चाहिए, ये भी वो डिसाइड करती है. थैंक यू.